जय मा दुर्गा। बंधुगण, नवरात्रिर मंगल कार्य बहुत महत्वपूर्ण होइथाय ओ मंगल कार्य मध्य होइथाय। बंधुगण, नवरात्रिर एही 9 दिन गंगा जल परे पवित्र होइथाय। एही शुभ समय खुशीर स्वागत आनिथाय। बंधुगण, 2023 रे चलित वर्ष मा दुर्गांकर आविर्भाव हात्तीरे विजय करि हेबाकु जाउअछि एवं मा दुर्गा हाथी उपरे विजय करी एही पृथ्वी लोकरे पराजिबे। तेबे शास्त्र रे वर्णित अछि जे शारदीय नवरात्रि रे जदि मां दुर्गा तांको बाहन सिंह उपरे विराजन करिकि हाथी उपरे विराजमान होई धरा पृष्ठ रे अवतारण करंती, तेबे एहा अत्यंत शुभ एवं मंगलमय होइथाय। जीवन सुखमय होइथाय। भक्तिर भरपूर आनंदर लाभ प्राप्त होइथाय। बंधुगण, वर्ष नवरात्रि पूरा 9 दिन पालन करिबा। शारदीय नवरात्रि चलित वर्ष 2023 15 अक्टोबर रविवार ठु आरंभ होई 23 अक्टोबर पर्यंत चलिबो। एही पवित्र नवरात्रि रे माता दुर्गांक ठारु आशीर्वाद प्राप्त करिबा पई कलश स्थापन हेबो। तेबे बंधुगण, एही शुभ मुहूर्त रे करा जाइथिबा पूजा बहुत शुभप्रद होइथाय। एहा द्वारा देवी देवता मानक कृपा प्राप्त होइथाय। आ पूजा पाठरे मध्य शुभ फल प्राप्त होइथाय। एपरि कि भगवान श्रीकृष्ण मध्य भागवतरे कहिछन्ति कि जेउ पूजा पर्व बा जेउ पूजा विधि शास्त्र अनुसारे एवं एक शुभ मुहूर्तरे आरंभ होइथाय त सेही पूजा पाठर फल निश्चित लाभ होइथाय। तेबे बंधुगण, व्रत जेउपरि होइथाउ ना काहेकि किंतु नियमर पालन करिबा अति आवश्यक माना जाइथाय। काहेकि ना जेउ व्रत नियम अनुसारे करा जाइथाय ताहाकु संघर्ष कुहा जाइ नथाय। एवं एपरि कुहा जाइथाय कि मनोकामना पूर्ण करिबाकु हेले किछि संघर्ष त करिबाकु पडिबो, अर्थात किछि त तपस्या करिबाकु पडिबो। सेथिपई माना जाइथाय कि व्रत को विधि विधान रे करिबा उचित। तेबे आपण को व्रतर पूर्ण लाभ मिलिथाय। अति शीघ्र दीर्घायु वरदान मिलिथाय। आपण को सब मनोकामना माता रानी पूर्ण करिथांती। एमिति व्यक्ति मरिबा परे माता रानी को चरण रे स्थान मिलिथाय। से सर्वदा माता रानी को सेवा करिथाय। एमिति भक्त को स्वर्ग लोक रे स्थान मिलिथाय। शास्त्र रे कुहा जायछि कि जदि ईश्वरंक प्रति मनरे श्रद्धा थाए ताहाले बिना पूजा पाठरे मध्य फल प्राप्ति होइथाय। एवं जेउ व्यक्ति ईश्वरंक प्रति भक्ति नथाए सेही व्यक्ति केबे भी सुखरे नथाए। से सबुबेले दुख एवं दारिद्र्यतारे भोग करिथाय एवं नरकरे घुरी बुलिथाय। भागवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कहिथिले जेउ मनुष्य ईश्वरंक स्मरण करथांति सेही मनुष्यर नाता ईश्वरंक प्रति जोड़ी होई रहिथाए। सेथिपाई भगवान कहिथांति सच्चा हृदयरे ईश्वरंक डाक, भगवान आपणंकर सबु मनोकामना निश्चय पूरण करिबे। बंधुगण, एमिति किछि लोक अछन्ति जे कि घंटा घंटा पूजा पाठ आदि करिथांति किंतु भगवान सेही भक्तंक कथा सुणि नथांति। काहेकि ना मनरे भक्ति नाही त भगवान काहेकि सुणिबे। बंधुगण, एहा त थिला भक्त आउ भगवानक मध्यरे। एबे आमे आसंतु जानिबा नवरात्रि समय रे कौन खाइबा उचित नुहे एवं कौन पीबा उचित नुहे। बंधुगण, वीडियो आगकु बढ़िबा पूर्वरु मोर आपणकु गोटे छोटिया निवेदन, वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। जदि सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु एवं सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु जय मां दुर्गा, जय मां जगतजननी। बंधुगण, नवरात्रि समय रे भूल रे भी गुपचुप खाइबे नाही। काहेकि ना मझी मझी रे शुक्रवार पड़ जाइथाय। काहेकि ना शुक्रवार को मां संतोषींकर बार होइथाय। माँ संतोषी खट्टा जिनिष खाउथिबा व्यक्तिंक उपरे सर्वदा रुष्ट होइथांति। काहेकि ना नवरात्रि रे माँ संतोषी जागृति अवस्था रे थांति। नवरात्रि रे माँ संतोषींकर शक्ति
दुई गुणा अधिक पड़ी जाए। नवरात्रि रे जदि शुक्रवार पड़ी जाए था तो तेंतुली खाइबा उचित नुहे। माँ संतोषी क्रोधित हो जाती, माँ आपण को दंड भी दे थांती। लेंबू मध्य खाइबा उचित नुहे। कहिबाकु गले लेंबू आपण खाई पारिबे, किंतु जेतेबेले नवरात्रि रो शुक्रवार पड़े सेही दिन लेंबू खाइबा उचित नुहे। बंधुगण गुपचुप काहेकि खाइबा उचित नुहे, काहेकि ना सेथिरे रसुण पियाज एवं खट्टा अंश पड़ी थाए जहाँकि व्रत को भांगी दे थाए एवं पाप मध्य लागी थाए। ध्यान पूर्वक जदि आपण एही जिनिष शुक्रवार दिन न खांती तेबे माता संतोषी आपणक जीवन रे सुख शांति एवं धन धान्य रे भरी दियंती, आपणक घरे बास करथांती। किंतु नवरात्रि रे शुक्रवार दिन एहाकु त्याग करिबा उचित, एहाकु पालन करिबा उचित। नवरात्रि सरिला परे आपण गुपचुप खाई पारिबे। बंधुगण नवरात्रि दिन सेउ निश्चित भाबे खाइबा उचित। शास्त्र रे कहा जाय अछि कि भगवान को सेउ आदि अर्पण करा जाय थाए। जदि आपण व्रत रखिछंती ताहाले आपण को सेउ खाइबा उचित। कदळी तरबूज पाचिला अमृतभंडा निश्चित खाइबा उचित, काहेकि ना व्रतधारी को एही फल रे शक्ति मिलथाए। शास्त्र रे माना जाय अछि कि नवरात्रि रे सीताफल अवश्य खाइबा उचित। शास्त्र रे कहा जाय अछि कि सीताफल घर को प्रवेश हेबा बहुत शुभ माना जाय थाए। सीताफल खाइबा द्वारा नवरात्रि रो व्रत सफल हो जाय थाए, काहेकि ना सेथिरे माता सीतांकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय। माना जाए कि भगवान राम वनवास जाइथिबा बेले माता सीता एही फल खाइथिले। नवरात्रि समय रे सीताफल जेउ माने खाइथांती तांकु दुख सामना करिबाकु पड़ी नथाय। सीताफल निश्चय खाइबा उचित। माता सीता प्रसन्न होइथांती एवं आशीर्वाद मध्य देइथांती। बंधुगण आलू निश्चित भाबरे खाइबे। नवरात्रि रे आलू भेंडी एवं बाइगण खाई पारिबे, किंतु नवरात्रि रो सोमवार दिन बाइगण खाइबा उचित नुहे। नवरात्रि रे धनिया पत्र खाइबा उचित। सबुज धनिया पत्र रे व्रतधारी को पोषक तत्व मिलथाए। नवरात्रि रे धनिया पत्र निश्चित भाबे खाइबा उचित। एहा द्वारा जदि सुगर लेवल थाए ताहा कम हो जाए थाए। नवरात्रि रे रिफाइंड तेल सोरिष तेल भूल रे भी खाइबा उचित नुहे। घी रे बनेथिबा खाद्य को खाइबा उचित। बंधुगण बजार रे मिलुथिबा जूस पीबा उचित नुहे। जदि आपण जूस पीबा पई चाहंती ताहाले घरे आपण जूस बनई पी परंती, किंतु सही जूस रे आपण लुण पकेबे नाही। लुण पकेबा द्वारा व्रत खंडित होइथाय। बंधुगण नवरात्रि रे आपण फल अटा खाई पारिबे, पुरुणा अटा आपण खाइबे नाही, काहेकि ना सेतिरे छोटो छोटो पोक थाए ताहा आखी को देखा जाय नथाय। एहा को आपण खाइबा द्वारा आपणक व्रत खंडित होइथाय। फल अटा बजार रु आणिकि ही खाइबे। बंधुगण एही नवरात्रि आपण साबुदाना खाइपारे, साबुदाना खिचड़ी खाइपारे। केते प्रकार पनीपरिया एमती थाए कि जहाँ भोजन में सामिल करद्वारा आपण को एनर्जी मिलवा द्वारा आपण व्रत सफल हो जाए। नवरात्रि आपण क्षीर भी पीपारे जहाद्वारा आपण को शक्ति मिलता है। नवरात्रि व्रतधारी को पेट भरी खाइबा भी उचित नुहे। पेट भरी खाइबा द्वारा आपणक व्रत रे किछि फायदा मिल न थाए, अल्प अल्प करी खाइबा उचित। बंधुगण नवरात्रि रे 9 दिन पर्यंत माँकर अलग अलग स्वरूप पूजा करा जाय थाए। नवरात्रि रे माँ को अलग अलग स्वरूप अनुसार अलग अलग फूल एवं अलग अलग फल अर्पण करा जाय थाए। बंधुगण आपण जानिछंती कि एही नवरात्रि रे किछि एमिति जिनिस थाए जहाँ माँ को अर्पण करने द्वारा आपण व्रतर
पूर्ण लाभ मिळिनथाय सेथिपई मुख्य रूपरे एहा जाणिबा आपणंकु जरूरी अटे। से जेउ जिनिष अटे जहा फूल देवी माँकु अर्पण करिबा उचित नुहे ताहाले चालंतु जाणिबा सेही जिनिष कौन। नंबर 1 बंधुगण, नवरात्रि रे विवाहिता महिला मानंकु धळा किंबा कळा रंगर साड़ी पिंधि पूजा करिबा कथा नुहे। माँ को जेतेबेले पूजा करिबे सेतेबेले माँ को फोटो किंबा मूर्ति तले कागज बिछेबे नाही, बरम लाल रंगर कपड़ा बिछे माँ को फोटो बा मूर्ति स्थापन करिबे। बंधुगण, जेतेबेले पूजा करिबे सेतेबेले माँ को सामना रे ही निजर आसन पके सेथिरे बसी माँ को पूजा करिबे एवं सेहिठारे ही सोइबा उचित, माँ को एका छाड़ी सोइबे नाही, एहा अत्यंत अशुभ होइथाय। टिके भाभी देखंतु माता रानी धरित्री को आसी आपणक घर को प्रवेश करथांती एवं आपण ताकु एका छाड़ी दियंती, तेबे माँ एहा भाबिबे कि मोर आवश्यकता एही घरे किछि नाही, एहा भाबी माँ घरु चली जांती। एहा खास करी ध्यान देबे कि माँ को पाखरे ही सोइबा उचित। नंबर 2 बंधुगण, नड़िया को शुभ फल माना जाए, नड़िया को श्रीफल कहा जाए। माँ को पूजा करने समय कलशर स्थापना करा जाए थाए। बंधुगण, नड़िया केते प्रकार होइथाय, गोटिए रे पानी थाए एवं आउ गोटिए रे पानी न थाए, सुखिला थाए। माँ को जेतेबेले पूजा करा जाए सेतेबेले माँ को पाखरे पानी थिबा बाला नड़िया ही अर्पण करंतु। जेतेबेले कलश उपरे नड़िया रखुछंती सेतेबेले सेही नड़ियाटी गोटा नड़िया होइथिबा दरकार एवं सेही नड़िया को गोटे लाल कपड़े गुड़ाई कलश उपरे स्थापित करिबा उचित। शास्त्र अनुसार पूर्ण रूप से नड़िया को विधि विधान सहित रखा द्वारा लाभ प्राप्ति होता है। ध्यान रखिबे कि महिला माने नड़िया को भांगिबे नहीं, एहा द्वारा घोर पाप लगी थाए। नंबर 3 बंधुगण, लवंग माँ को पाखरे अर्पण करा जाए थाए, किंतु लवंग अर्पण करने समय बहुत बड़ भूल करिथांती। सबुबले ध्यान रखिबे कि माँ को फुलवाला लवंग ही अर्पण करिबा उचित। जेऊ लवंग उपरे फुल होइनथाए एवं जेऊ लवंग पछरे खाड़ी नथाए सेही लवंग भूल देवी माँ को अर्पण करिबे नाही, फुलवाला लवंग ही अर्पण करिबे। कौनसी भंगा रुचा जिनिष माँ को अर्पण करिबा उचित नुहे। नंबर 4 बंधुगण, तुलसी पत्र माँ को अर्पण करिबा वर्जित अटे, माँ को तुलसी पत्र चढ़ेबा उचित नुहे। माँ को धला रंगर फूल अर्पण करंतु नाही, माँ को केवल लाल रंगर फूल अर्पण करंतु। बंधुगण, जदि ए भिडियोटी आपण मानक भल लगे ताहले गोटे लाइक कर दियंतु आ सच्चा हृदय कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय माँ दुर्गा, जय माँ जगत जननी।